नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल। आज हम आपसे बात करेंगे BNSS पे, जेल में बंद व्यक्तियों की अदालत में पेशी की प्रक्रिया। धारा 301 और 302 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 24 में उन प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है जो जेलों में बंद या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को अदालत में उपस्थित सुनिश्चित करने से संबंधित है। यह प्रावधान धारा 301 और 302 में दिए गए हैं, जिसका विवरण नीचे है, मैं फिर आगे बताता हूँ। धारा 301 मुख्य परिभाषाएं की डेफिनेशन। धारा 301 इस अध्याय में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख शब्दों को परिभाषित करती हैं ताकि उन स्पष्टता बनी रहे। नंबर एक, 301 का क्लॉज वन, हिरासत। यह उन व्यक्तियों को शामिल करता है जो निवारक हिरासत कानूनों के तहत बंद है। इसका मतलब यह है कि जो किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए पहले ही हिरासत में लिया गया हो। उदाहरण इस प्रकार है कि अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है तो वह हिरासत की परिभाषा में आता है। इसका क्लॉज टू, जेल, प्रिजन। जेल का मतलब सिर्फ पारंपरिक जेल नहीं बल्कि यह निम्न को भी शामिल करता है। राज्य सरकार द्वारा उप जेल घोषित किए गए स्थान, जैसे कि आपातकालीन स्थिति या त्योहारों के दौरान बनाए गए अस्थायी जेल, सुधार गृह, बोस्टर्ड संस्थान या इसी प्रकार के अन्य संस्थान। उदाहरण के लिए, अगर किसी नाबालिग अपराधी को सुधार गृह भेजा जाता है तो उसे जेल की परिभाषा में सम्मिलित किया जाएगा। धारा 302 BNSS में अदालत के सामने उपस्थित के लिए कैदियों का उत्पादन। धारा 302 उन परिस्थितियों का प्रावधान करती है जहां किसी जेल में बंद व्यक्ति को अदालत में पेश करना आवश्यक हो। उपधारा 1, अदालत के आदेश। यह उपधारा अदालतों को यह अधिकार देती है कि वो किसी हिरासत में लिए गए या बंद व्यक्ति को निम्न उद्देश्यों के लिए पेशी कराने का आदेश दे सकती हैं। आरोप का उत्तर देने के लिए, एंसरिंग अ चार्ज। जब किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया गया हो तो अदालत में उसकी उपस्थित जरूरी होती है। जैसे कि अगर किसी चोरी के मामले में किसी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को आरोप बनाया गया है तो अदालत उसकी उपस्थिति का आदेश दे सकती है। नंबर 2, गवाह के रूप में पूछताछ, एग्जामिनेशन एज अ विटनेस। जब किसी व्यक्ति या जब किसी बंद व्यक्ति की गवाही मामले के लिए ज़रूरी हो। उदाहरण जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के मुख्य चश्मदीद गवाह आई विटनेस को किसी अन्य मामले में जेल में रखा गया है तो अदालत उसकी गवाही दर्ज करने के लिए उसे पेश करने का आदेश दे सकती है। इस प्रकार के लिए अदालत जेल प्रभारी अधिकारी को आदेश देती है। उपधारा 2, दूसरे वर्ग के मजिस्ट्रेटों
के आदेश पर निमंत्रण। अगर यह आदेश किसी दूसरे वर्ग सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया है तो इसे तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM जिसे कहते हैं इसे अनुमोदित काउंटर साइन ना कर दे। इस उद्देश्य निम्न स्तर के मजिस्ट्रेटों के कार्य पर निगरानी रखना है। जैसे अगर दूसरे वर्ग का मजिस्ट्रेट किसी कैदी को छोटे मामले में पेशी करने का आदेश दिया है तो इसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांचा एवं अनुमोदन के बाद ही लागू किया जाएगा। उपधारा 3, अनुमोदन के लिए कारण बताना आवश्यक है, यानी काउंटर साइनिंग के लिए फैक्ट ऑफ स्टेटमेंट जरूरी है। जब आदेश अनुमोदन के लिए भेजा गया जाता है तो मजिस्ट्रेट को यह बताना जरूरी है कि वह आदेश क्यों जरूरी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उस कारण को जांचने के बाद आदेश को स्वीकार, काउंटर साइन या अस्वीकार या डिक्लाइन कर सकता है। उदाहरण के लिए जब मजिस्ट्रेट कहता है कि बंद व्यक्ति की गवाही सह आरोपी को एक्यूज्ड के लिए अलिबी साबित करने के लिए ज़रूरी है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि वह वजह पर्याप्त है या नहीं। अगर कारण पर्याप्त नहीं है तो वह अनुमोदन करने से मना कर सकता है। दोस्तों आगे इसी टॉपिक की आगे की चर्चा हमारी नेक्स्ट वीडियो में।